में। तो आज बात करेंगे हम रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न के बारे में, ठीक है, उन पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आइए दोस्तों देखेंगे हम क्वेश्चन के बारे में। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है रिवर्स पैटर्न पर आधारित है, जो हम इसमें देखेंगे रिवर्स में करना है किस तरह से करना है, पेन देखेंगे उसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमारी और फिर ये कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे ये हमारा 19 है दोस्तों, क्या है 19 है, सॉरी दोस्तों मार्कर, ये हमारा 19 है, ओके, क्या है हमारा ये 19 है। और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें 10, कितना है 10, ये होगा 8, ये कितना हो जाएगा 25, और ये एक है, ये हमारा जाएगा 13, ओके, ये हमारा 24 है, 22 और 5, और ये हमारा हो जाएगा 16। तो मैं इसको किसी में कुछ दिखाई दे रहा हूँ, तो हमारे 16 19 है, तो हमें इसमें है माइनस कितना कर दिया है, माइनस 3 कर दिया है, 8 है इसमें भी माइनस 3 है, और इसमें 25 22 ये भी माइनस है और इसमें भी माइनस, ठीक है। तो इसी तरह से देख सकते हैं इसको भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये 16 पे आता है, कितना आता है 16 9 और एन 14 के 11 और ये है 21। तो हमें इसमें से माइनस करना है कितना 3, कितना माइनस करना है 3 माइनस करना है, 3 और माइनस करेंगे तो इसमें हमारा कितना रह जाएगा दोस्तों 13 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 13, 13 पे आता है हमारा एम, ओके। अब क्या है आई, आई में से अगर 9 में से अगर माइनस 3 करेंगे हम, कितना करेंगे माइनस 3 करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा आ जाएगा 6, जो आता है इक्वल, ठीक है। अब एन की बात करें तो इसमें से अगर माइनस करेंगे हम, 3 माइनस अगर इसमें से करते हैं तो कितना रह जाएगा हमारा, रह जाएगा 11, 11 पे क्या आता है दोस्तों के आता है, और ये है हमारा 3 माइनस अगर इससे करेंगे हम तो क्या रह जाएगा, इसमें रह जाएगा हमारा 9, कितना रह जाएगा दोस्तों 9 सॉरी 8 9 सॉरी 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 11 में से अगर 3 माइनस करेंगे हम तो हमारा रह जाएगा, तो सॉरी 9 ले जाएगा, ओके 9 पे क्या आता है हमारा, 9 पे आता है हमारा दोस्तों आई सॉरी 8 ले जाएगा, ओके एच आएगा। अब क्या करेंगे 21 की बात करेंगे हम यू, तो इसमें से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा रह जाएगा 28, कितना दोस्तों 28, 28 पे क्या आता है, क्या आएगा दोस्तों 28 पे आ जाएगा हमारा, 28 पे सॉरी 21 में से अगर हमें 3 माइनस करना है तो 18 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 18 पे क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों आर आ जाएगा। अब बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा इसी तरह से, इसमें देखना है क्या हो रहा है दोस्तों, ये हमारा 20 पे है, कितने पे 20, इसमें से अगर देखें तो ये कितना है 22, कितना प्लस हो रहा है 2, कितना प्लस हो रहा है 2, ये कितना है, ये है हमारा 5, जी कितना है 7, 2 प्लस हो रहा है, ओके ठीक है। अब बात करें ए की, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है 30, इसमें भी हमारा 2 प्लस हो रहा है, सी है सी, और इसमें हमारा कितना हो रहा है दोस्तों, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, ओके 2 प्लस हो रहा है, इसी तरह ये भी है हमारा, इसमें कितना हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, ये भी 2 प्लस हो रहा है हमारा आर एस पी, ये भी हमारा 2 प्लस हो रहा है, इसी तरह हम इसको देखेंगे तो सी के बाद क्या आता है सी, अगर इसमें हम 2 प्लस करेंगे, ठीक है ये हमारा 3 पे आता है, ठीक है 2 प्लस करेंगे तो 5 पे क्या जाएगा दोस्तों 5, 5 पे क्या आ जाएगा हमारा ई, ओके। अब एच करेंगे हम, एच पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा एच के एच 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 2 प्लस करेंगे हम, हमारा आता है 8 पे तो क्या आ जाएगा हमारा 10, 10 पे क्या आता है दोस्तों जे आता है आई है 9, इस प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा दोस्तों 14, 14 पे क्या आ रहा हमारा, 14 पे आएगा हमारा एन, डी है हमारा 4, इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, डी में 2 प्लस करेंगे 6, 6 पे आता है हमारा ई, एफ आता है, क्या आता है एफ, 18,
ये हो जाएगा 20, 20, ये हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 7g, और ये हमारा n 14, ये हो जाएगा हमारा 16। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं क्रॉस पैटर्न पर आता है, ठीक है। तो ये हमारा d है हमारा 4, कितना है दोस्तों 4। तो इसको देखेंगे, ये हमारा 4 है, इसमें क्या दिया है क्रॉस, इस तरह का क्रॉस दिया हुआ, ठीक है। तो अब बात करेंगे चिन्ह 4 पे दिया है, तो हमारा इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा हो रहा है ये हमारा 7 है, तो इसमें क्या हो रहा है 3+। ओके, ये क्या है, इसमें भी हमारा 3+ हो रहा है। अब इसे देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, ये 14 है, ये 16 है, इसमें 2+ हो रहा है, और सी ये कितना है, ये 3, और ये कितना है 6, 5। ओके, इसमें हमारा 2+ हो रहा है, इसे देखेंगे तो ई एफ इसमें 1+ हो रहा है, इसमें 1+ हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखेंगे हम, ये आता है हमारा 16 पे क्रॉस करेंगे 18 पे क्या आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा 8। ओके, इसे अगर 2+ करेंगे तो ये 21 है, यह हमारा आ जाएगा 23 पे आता है हमारा W। इसी तरह हम देखेंगे, सॉरी इसमें हमारा कितना प्लस हो रहा है, हमारा इसमें 3+ हो रहा है, ठीक है। तो 19 हो जाएगा, 19 पे आता है हमारा S, 3+ हो रहा है इसमें, तो 21 कितना हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा X, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो रहा है कितना 2+, यहाँ पे क्या आ जाएगा T, और यहाँ पे आ जाएगा ये 12 पे आता है, तो हमें इसमें 2+ करना है, तो क्या हो जाएगा 14 पे आता है हमारा N, ये हमारा 1+ हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 1+ D आ जाएगा I, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी। ओके, अब बात करेंगे इसकी, ये क्या है हमारा, इसमें क्रॉसिंग में दिया हुआ है, देखो R है 18, 1, I और ये 12, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, ये इसमें क्या है 11, ये हमारा C 3 पे आता है, T 20 पे आता है, N हमारा 14 पे आता है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो ये दिख रहा है हमें क्या हो रहा है 2+। ओके, ये क्या है हमारा 2+, ये है हमारा 2+, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये हमारा कितना है 2+। इसी तरह से देखेंगे R 18, ये है हमारा 5, 1 और ये हमारा D, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम इसे, तो इसमें हमें अगर दो, हमें इसमें क्या प्लस करना है, इसमें हम करें 2+20, टी हो जाएगा 2+7 हो जाएगा, 2+ क्या हो जाएगा सी। ओके, अब ये हमारा इसमें 2+ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6, यानी कि एफ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर अच्छे से समझ आए हो, मुझे उम्मीद है इससे सरल तरीका और कोई नहीं हो सकता है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है उनके पास भी पहुँच सके। थैंक यू।